सज्जनों ते सहेलियो, अज मैं तुहाडे सामने निकी जी दूजे समेस्टर की एक रिपोर्ट जी पेश करना चाहना। इस समेस्टर दे विच दो कोर्स अब्बास अली सदीकी हुरां ने पढ़ाए। एक कोर्स हैगा सी गुरमुखी सीखना, तो दूजा कोर्स हैगा सी शाहमुखी सीखना। मेरे ख्याल च ये कोर्स बहुत कामयाब गए और लोगों ने सदीकी साहब की पढ़ाई के तरीके नू बहुत सलाया। और लेकिन यह है कि असी इस समेस्टर च भी इनू जारी रखना चाहते पर सदीकी साहब किसी होर काम विच रुझ गए ने, तो इसलिए अगर तुहाडे विचों कोई ये समझदा होवे कि वह पढ़ा सकता है गुरमुखी या शाहमुखी, तो वो साडे नाल राबता कर सकता है। इस तो अलावा मैं अपना चार पांच कोर्स पढ़ाए ने पिछले समेस्टर दे विच, जिन्हां विच पहला तो हैगा सी हीर वार शाह दा, वो हीर वार शाह दे उत्ते दूजा समेस्टर सी, ते हुण असी तकरीबन किताब दे अध विच पहुँच गए हैं। लगता है कि इहदे ते दो समेस्टर होर लगणगे। इस तों वख मैं एक कोर्स डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म ते पढ़ाया है। उस तों अगे मैं एक कोर्स जिहड़ा है वह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ते पढ़ाया है। ये दोवें जिहड़े सबजैक्ट सन ये बिल्कुल नवें सन और मैं टैसट करना चाहुंदा सा कि ये नवी टैक्नोलॉजी तो नवी साइंस नूं अगर पंजाबी विच समझाया जाए तो लोगों को क्या सौखा समझ आ सकता है कि नहीं। और मैं ये समझना है कि मेरा तजर्बा बहुत हद तक कामयाब होया है, क्योंकि दोवां क्लासां विच भी मेरे ख्याल से जिन्नियां गल्लां पढ़न वाले नूं समझ आउणियां चाहीदियां सन वो उन्हां नूं समझ आ गईयां ने। अच्छा, इस तो वक्त मैं पंजाबी क्लासिक दे उत्ते एक कोर्स पढ़ाया है पिछले समेस्टर दे विच। उदे विच असी सारे क्लासिकल पोइट्स नू वारी वारी जिहड़ा वो पढ़ा रहे हैं, ते इस वारी जिहड़ा पढ़ाया गया वो बाबा फरीद, गुरु नानक जी, शाह हुसैन, ते शाह हुसैन, ते दमोदर दास, ते अपना सुल्तान बाहू हुरां नूं पढ़ाया गया है। जिहड़ा इस वेले समेस्टर च दाखला हो लै रहे ने लोकी, इहदे विच असी यानी मैं बुल्ले शाह, वारिस शाह, हाशिम शाह, सचल सरमस्त, कादर याद, ते ख्वाजा गुलाम फरीद नूं पढ़ावांगा। इहदे विच इह कोई एक दो हफ्तियां शुरू होएगा, इहदे विच दाखला तुसीं लै सकदे हो। और जिहड़े पिछले स्टूडेंट ने उन्हां नूं वी दुबारा रजिस्टर होना पएगा। फिर एक कोर्स जिहड़ा असीं उह जिहड़ी सैकंड जनरेशन है पंजाबियां दी, जिहड़ी बाहर दे मुल्कां च रहिंदी है जिवें बरतानिया या अमेरिका दे विच, उन्हां लई अंग्रेजी, उन्हां नूं सिर्फ अंग्रेजी आउंदी है, ते उन्हां नूं पंजाबी सिखाउण लई असीं एक क्लास शुरू कीती है लर्निंग पंजाबी, जिन्हों प्रोफेसर जुबैर अहमद ते उह उन्हां दे नाल समीना आसमा होरी उन्हूं पढ़ा रहे ने, और उहदियां काफ़ी क्लासां हो चुकियां ने। तो मेरा ख्याल है कि वो ये जिहड़ी क्लास है ये अगे भी जारी रहेगी। हुण ये तो हो गया। हाँ, इहदे नाल मैं भी दसदे जावां कि इस पीरियड दे विच असी पंजाबी अदबी संगत भी शुरू कीती, ते उहदे चार जलसे हो गए ने, वो हर 15 दिनां तों बाद हुंदी है, ते वो बहुत कामयाब जा रही है, ते ये होर भी अगे चलेगी।
अगली जड़ी इहदी मीटिंग है वो 25 जुलाई नूं होनी है, जिहदे विच जिहदे विच सरजीत पात्र हुणी सदारत करनगे ते मैं एक नज़म पेश करांगा। ते इस अपना पंजाबी अदबी संगत की जिहड़ी सैकटरी साहबा ने समीना आसमा वो अपनी एक कहानी पढ़नगे, उन्होंने काफ़ी कहानियां दियां किताबां छप चुकिया ने। तो ये तकरीबन समझो कि पिछले समेस्टर के विच ये कुछ होया है, सारिया गल्लां शायद मैं नहीं दस सकिया, तो लेकिन इस समेस्टर के विच हीर वारिस शाह दा तीसरा समेस्टर होएगा जड़ा कि मैं पढ़ावांगा। इस तो वक्त मैं जपजी साहब गुरु नानक जी दी जड़ी मुढ़ली फलसफे दी बाणी है जपजी साहब उन्हूं पढ़ा रहा है। एक क्लास हो चुकी है लेकिन इहदे विच तुसीं दाखला लै सकते हो, अजे भी दाखला लै सकते हो इस हफ्ते दे विच। ते तीजी जड़ी है वो मैं वो जड़ा पिछले समेस्टर दे विच पंजाबी क्लासिकल पोइट्स दे उत्ते सीरीज कर रहे सां जिहड़ी असी सुल्तान बाहू रंज खत्म कीती सी, वो इस समेस्टर दे विच बुल्ले शाह होरां तों शुरू होएगी ते वो एक अद्धे हफ्ते च वो भी शुरू हो जाएगी। इस दे नाल नाल असी अपना जिहड़े मशहूर नावलिस्ट मुहम्मद हनीफ ने उन्होंने एक क्लास पहले समेस्टर च पढ़ाई सी ते हुण वो दोबारा इस समेस्टर दे विच एक क्लास पढ़ाउणगे क्रिएटिव राइटिंग, एडवांस क्रिएटिव राइटिंग दे उत्ते। ते जे तुसी अपना उहदे विच दाखल होना होवे ते तुसी सानू दस देना। इस तो अलावा असी पाकिस्तान दे बहुत मशहूर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच हुरा दी क्लास जिहड़ी है वह शुरू करना चाहते हैं ते वह क्लास जिहड़ी है वह जर्नलिज्म च होएगी। मैं तुहानूं इह दस्सदा जावां कि बहुत मशहूर सहाफ़ी होने तो पहले वह एफ सी कॉलेज लाहौर दे विच अंग्रेजी दे उस्ताद भी सन, ते इस वास्ते उन्हां दी पढ़ाउण दा भी तजर्बा हैगा ते उन्हां बाकी जो कुछ जर्नलिज्म विच होया ते हो रहा है उहदा भी बहुत डूंघा तजर्बा हैगा। ते इह गल्लां तुसीं नोट कर लो, जे कोई होर वधेरे गल होई ते मैं फिर दोबारा हाज़र हो के ते तुहानूं अर्ज करागा, दसागा कि की होर की होर की कुछ हो रहा है। ते तुहाडे कोलों इहो ही आजी है कि तुसीं साडी यूनिवर्सिटी नूं फॉलो करो, उहदी अमदाद हमायत करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया च अजे तक नहीं बनी जिहड़ी कि हर मजमून पंजाबी च पढ़ाउंदी होवे। असीं ते हर मजमून नूं पंजाबी च पढ़ाउने हैं, भावें वह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस होवे ते भावें वह डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म होवे। ते इसलिए इहदी इह खूबी है, इहदे नाल असीं पंजाबी विच नवा नॉलेज जिहड़ा है वह पैदा करन दी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरा यह ख्याल है कि सिर्फ अदब दे नाल ही ज़बानां जिंदा नहीं रहिंदियां, बल्कि जिहड़ी मॉडर्न नॉलेज है उन्हूं भी क्रिएट करना जरूरी है ताकि लोकी उन्हूं पढ़ सकन, लोकी उन्हां नूं फॉलो कर सकन, उहदे तों फायदा चुक सकन अपनी जिंदगी दे विच। ते बस मैं इन्नी गल करनी सी, ते बाकी जो तुहाडा सवाल होवे वो तुसीं जरूर कमेंट्स दे विच लिखियो। ते इन्नी गल है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।